आज के गेम प्ले के बारे में तो पूछो ही मत, नहीं पूछोगे फिर भी बताऊंगा। अब यार इस वाले गेम प्ले में सीन ऐसे होते हैं ना, बंदे इस लेवल के आ रहे होते हैं, बोल सकते हो कॉन्करर लोबी में जिस तरह से बंदे स्ट्रेटजी से खेलते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही होने वाला है। सारी जो टीम्स मिलने वाली है हमको आगे, वो सारी ऐसे ही खेलेगी, मतलब फुल स्ट्रेटजी बेस्ड गेम होने वाला है। अब जितनी अच्छी लोबी उतने गलत सीन भी होंगे मेरे साथ, वो देखना कैसे क्या होंगे। फिलहाल बात करते हैं तो हम लोग उतरते हैं अब मिलिट्री बेस में, और उतरते ही मेरे को मिलती है DPS, और नीचे उतरते बंदे तो लगता हूं उनके पीछे। नीचे को रिस्क मत लो, रिस्क का लगा। वो तो शुक्र है मेरी प्रैक्टिस का कि मेरी शॉटगन इस पे चिपक गई और इसकी शॉटगन मेरे पे नहीं चिपकी। फिलहाल इसकी पेटी बनाता हूँ, और कोई नहीं होता सी बिल्डिंग में तो मैं जाता हूँ आगे की तरफ। पीछे वाले मार दे, तुम बंदे हो भाई, तो बहुत समझ के आ गए। मेरे बैरल बस्ट कर दे ले, बैरल ले ले। बहुत खतरनाक बॉट मार रहे हैं साले, नीडी को और इसी के साथ मिलिट्री बेस पूरा खाली हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे इन बंदों को मारते ही एक आध बोट आते हैं, उनको मार के गाड़ी लेके निकलते हैं मिल्टा की तरफ। जैसे यहाँ पे आते हैं तो पूरी पूरी दो टीम्स आपस में फाइट ले रही होती, तो हम आ जाते हैं बीच में, और देखना कैसे फंस के हम कैसे गेम चेंज कर देते हैं। Marked a location. इधर भी चार बंदे, मैं हिल नहीं सकते इधर। मैं एक नॉक गिराऊंगा, अभी कोशिश करता हूँ, उनको सब पता नहीं मुझे। अब यहाँ पे इस टीम के दो बंदे हमने नॉक कर दिए, पर उधर रश नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे ही पीछे बंदे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे और एक्जर वहाँ पे, तो सामने एक टीम है, पीछे मेरे दूसरी टीम है। तो मैं एक्जर को बोलता हूँ तू मेरे पास आ, यहाँ पे अपन पहले इनको मार लेते हैं, उसके बाद पीछे मतलब कि वो आगे जो भी यार उनको संभाल लेंगे। हाँ तो ना आगे ना पीछे, इनकी पेटी हमने बना दी, फिलहाल उनकी बारी। यहाँ पे इस वाली टीम के तीन बंदे नॉक हो चुके हैं, और एक और मेरे को दिख जाते हैं इस वाले घर के अंदर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ बम कुक, और देखना। तो
और इस बम के साथ पूरी की पूरी टीम का हो जाता है स्वाप, मतलब कि ये वाली टीम लॉबी से हार गई। अब यहाँ पे हम लोग लूटते हैं, आप लोग कमेंट में जाके ये बताओ कैसा लगा अभी तक का गेम प्ले, कैसा मजा आ रहा है कि नहीं क्लच व्लच देख के। और अगर ज्यादा ही पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को। फिलहाल लूट करने के बाद हम निकलने की सोचते ही है, उतनी ही देर में देखो गाड़ी आती है। अरे फ्लेयर थी मेरे पास। यहाँ पे बहाना काफी बड़ा है, ध्यान से सुनना। दो चीज नोटिस की होगी आपने, पहले तो मैंने दो बंदे नोक किए, तीसरा रेक्जर ने किया। और मेरे नोक होने की वजह ये थी कि मेरे को लगा ये गाड़ी सीधा निकलेगी, तो उस हिसाब से अपन ने 6x खोला कि भाई लपेट लेंगे कितनी दूर जाए, पर भाई ये तो यहीं मुंह पे रुक जाती है। और 6x देखा होगा मैंने, थोड़ा आगे खोला था फिर बाद में इधर लाया, तब तक तो भाई तीसरे वाले बंदे ने मेरे को नोक कर दिया। पर कोई ना, गलत सीन होते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने ड्राइवर ही गिराया था और वो बात मेरे को पता नहीं थी। पर जो भी, फिलहाल रिवाइव मिल जाता है, इनका आखिरी आता है बदला लेने, तो देखो उसको कैसे मारते हैं। मार्क द लोकेशन ब्रोकन। तो ये था इस टीम का आखिरी बंदा, इसको भी मैंने मार दिया। पर मेरे को लग रहा है इसकी टीम को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि देखो आखिरी वाले बंदे से हर किसी को उम्मीदें रहती है कि एक को तो नॉक किया तो फिनिश तो करना ही करना है। पर ये अपने मकसद में बोलते क्या बोलते हैं, असफल रहा, जो भी है। हिंदी थोड़ी खतरनाक हो गई मेरी, तो जो भी है भाई क्यों करता हूँ ये सब मैं। चलो जो भी, यहाँ पे इन लोग को मारने के बाद हम लोग यूएस उठा के आते हैं अपार्टमेंट की तरफ, और यहाँ पे भाई ऐसी भसड़ होने वाली है ना जिसको देख के दिमाग खराब हो जाएगा। वो देखा कि गाड़ी फंसी रोड पे, भाई लैग इज गॉड। तो ये पीछे पीछे रुकेगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसको देखो, ये पता नहीं कौन सी सनबाथ ले रहा था, मतलब कि यहाँ पे धूप सेक रहे भाई। तो हमने इनको नॉक करके फिनिश किया। फिलहाल सामने से एक और डासी आती है जो कि बाजू वाले अपार्टमेंट में रुक जाती है, मतलब कि सबसे उधर वाले। तो हम लोग जाते हैं छलांगे मार मार के, पहले बोट आता है इसको मारने के बाद जाते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना कि इन दोनों बंदों में से किसी ने मेरे को नॉक किया है, नहीं भाई मेरे को किसी तीसरे बंदे ने नॉक किया जो कि अलग ही टीम का है, वो भी मिनी 14 से, जो कि आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, इसी मिनी वाले ने मेरे को नोक किया था जब मैं यहाँ पे इन दोनों बंदों से लड़ रहा था। पर कोई ना, फिलहाल अपन लूट लूट करते हैं। इसके बाद एक बंदा ना नीचे आ जाता है हमारा, है पता नहीं कौन सी टीम का है, देखो। ये भागे यहाँ से मिनी वाले भाई, मतलब कि इतने ज़्यादा खतरनाक थे ये कि मेरे को यहाँ पे परेशान करके निकल गए भाई, मतलब कोई इज्जत ही नहीं अपनी। पर कोई ना, इसके टीममेट को हमने यहाँ पे मार दिया। फिर लूट वूट करके आते हैं इस कंपाउंड की तरफ जहाँ पे हमको एक गाड़ी दिखती है, और देखो कैसे इनसे लड़ते हैं।
बाहर से पड़ेगी बीटी अंदर चलो marked a location banda bhai jump kar gaya mere bhai aa raha kya इस बिल्डिंग में ये अकेला ही बंदा था, इसने काफी अच्छा डैमेज दिया था, पर मेरे को यहाँ पे दूसरा बंदा स्पॉट होता है भागते हुए। कहाँ पे देखा? मार दी तुमने पूरी। भाई क्या स्ट्रेटजी चल रही है? भगा लो, भगा लो, भगा लो। तुम क्या पे वन एचपी तो यहाँ पे इन दोनों बंदों को जैसे ही मारते हैं देखते जोन आ चुका है, तो फटाफट से गाड़ी उठा के भागते जोन के अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा डैमेज दे रहा था तो भाई काम डल सकते थे। तो जैसे ही यहाँ पे आते हैं हील विल करते हैं और हमको सामने होते बंदे स्पॉट, तो थोड़ा फ्लैंक मार के जाएंगे लेफ्ट से। अब ये सेलमोन भाई अच्छे खासे मेरे राइट से निकल रहे थे, पर मेरे को पता नहीं क्या खुजली हुई, मैं मारते मारते जिगल देता हूँ तो मैं राइट आता क्या और भाई इसकी गाड़ी के नीचे आ गया, पर कोई ना, फिलहाल उसको नॉक कर दिया रेक्जर ने। मैं हील करता हूँ, सामने अभी भी दो बंदे बाकी है, मतलब कि एक नॉक है तो रिवाइव हो जाता है, फिर उसके बाद देखो कैसे मारते हैं इनको। और यहाँ पे मिल जाता है हमको विनर विनर चिकन डिनर। तो आज का गेम प्ले आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप इधर पे नए हो, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हाथ धोते रहना, स्टेड घर पे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।